नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान किया है कि कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाएगा। इसके बाद पूरा बिहार खुश है, खास करके कर्पूरी ठाकुर का परिवार खुश है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर मौजूदा समय में जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत सरकार को धन्यवाद कहा है। पहले रामनाथ ठाकुर को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जी, आपके पिताजी कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है, केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। 26 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी है। इसके लिए हम अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता हूं। देखिए, आपके पिताजी पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बिहार के बड़े नाम रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहा जाता है कि बिहार को एक समय में सामाजिक बदलाव की दिशा में इन्होंने आगे बढ़ाया था। क्या आज याद आ रहे हैं आपके पिताजी? रामनाथ ठाकुर जी, आपके पिताजी, जी जी, बहुत वो समाजवादी आंदोलन के उपजे हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसलिए उनको जो भी भारत रत्न की उपाधि दी गई है हमें स्वीकार है और हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं भारत सरकार। नीतीश कुमार से बातचीत हुई इधर हाल में, जब आपके पिताजी के वो भारत रत्न मिला, उसके बाद नीतीश कुमार की से बातचीत हुई कुछ? अभी अभी तो नहीं हुई है बातचीत। रामनाथ ठाकुर जी, एक सवाल और है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार हो या लालू यादव, सभी लोग कर्पूरी ठाकुर के ही शिष्य हैं। कैसे देखते हैं? आप भी याद कर रहे होंगे अपने पिताजी के उस दौर को, उस समय को, जब आपके पिताजी लालू नीतीश सबको लेकर चलते थे। अभी वो यादगारी की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी, लालू जी समाजवादी लोग थे, लोक दल के सदस्य थे। अभी खुशी की बात है कि 36 वर्षों के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है, इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं बिहार की जनता की तरफ से और पूरे भारत के समाजवादियों की तरफ से। एक छोटा सा सवाल है कि नरेंद्र मोदी से क्या आप लोगों तो मिले? जी जी, एक छोटा सा सवाल है रामनाथ ठाकुर जी कि क्या नरेंद्र मोदी से लोग आ रहे हैं और जी और लोग नहीं नहीं एक छोटा सा सवाल बता दीजिए, नरेंद्र मोदी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे बधाई दीजिएगा, धन्यवाद कैसे कहिएगा नरेंद्र मोदी को? चाहते हैं कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ऐसा समझा कि वो भारत रत्न के हकदार हैं, इसलिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की हैसियत से उन्होंने भारत देने की घोषणा की है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। तो आपने देखा, रामनाथ ठाकुर ने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी को काफ़ी खुश होकर के दिल से धन्यवाद दिया है। उनका कहना है कि उनका जो 36 साल का जो मेहनत रहा है कर्पूरी ठाकुर का, जिस तरीके से उन्होंने सामाजिक बदलाव लाया, बिहार को आगे बढ़ाया, बिहार में उन्होंने एक सामाजिक क्रांति जलाई, उसके लिए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, मरणोपरांत भारत रत्न दिया जा रहा है कर्पूरी ठाकुर को। केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि बिहार के चाहे बीजेपी के नेता हों या जेडीयू के नेता हों या फिर आरजेडी के नेता हों, सारे लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जैसे सामाजिक नेता को उन्होंने भारत रत्न देकर के पूरे बिहार को गौरवान्वित किया है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज।